हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 122 में आपका स्वागत है। आज का सवाल हमारा पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड बहुत ही अच्छा सवाल है। चलते हैं आज के सवाल की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। तो वो सवाल क्या है हम लोगों का, बहुत ही अच्छा सवाल है आज का। क्या बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न विथ वाटर इन 24 आवर। ठीक है, पाइप ए जो है टंकी को 24 घंटे में भर सकता है पानी से। ठीक है, पाइप बी कैन फिल द सिस्टर्न विथ 24% प्योर विस्की। ठीक है, 24% प्योर विस्की है, मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ चर्चा भी नहीं किया, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट हो सकता है कि हमारा जो 76% ऑफ वाटर की जगह कुछ और रह जाए, स्प्रिट रह जाए, कुछ भी हो जाए, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन 24% वो प्योर विस्की देता है। ठीक है, इन 16 आवर। यानी कि पाइप बी जो है, सिंपली ये समझो कि अगर 24% प्योर विस्की ना रहता तो वहाँ पर वो टंकी भरने में टोटल कितना समय लगा रहा है, टंकी भरने में लगा रहा है 16 घंटे। अब जिस रफ्तार से वो भर रहा है, यानी कि जितना भी भर रहा है, जिस उसमें जो है उसमें 24% जो है वो क्या है, विस्की है। ठीक है, टोटल काम यहां से हम लोग निकाल लेंगे, टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, 48 यूनिट। मान लिया यहां पे 48 यूनिट, 24 एफिशिएंसी इसकी क्या हो जाएगी, 2 की रफ्तार से भरेगा, ये 3 की रफ्तार से भरेगा। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपेंड अल्टरनेटली। ठीक है, सभी पाइप्स जो है और ओपन करते हैं अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर, मतलब 1-1 घंटे के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पाइप ए, पाइप से ए से स्टार्ट करते हुए, वॉट विल बी द परसेंटेज ऑफ विस्की इन द सिस्टम व्हेन इट इज फुल। विस्की कितना परसेंट उसमें गया है जब टंकी पूरा भरा जाए, यानी पूरा 48 काम हो जाए, तो विस्की का हमें परसेंटेज बताना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि बी उसमें भर कितना रहा है, बी का जो योगदान है वो 48 यूनिट भरने में, उसका योगदान कितना है, कैसे निकलेगा। पहले बी का समय निकालना हो कि बी एक्चुअली 1-1 घंटे तक चला कितना देर था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहले घंटे ए चला यानी कि उसने 2 काम किया, दूसरे घंटे 3 चला, बी चला यानी कि उसने 3 काम किया, यानी 2 घंटों में हमारा जो काम हुआ है वो हुआ है 5 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 48 तक पहुंचना है, इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 18 घंटे में हमारा जो काम हुआ है वो काम कितना हुआ है, 45 यूनिट। ठीक है, 18 घंटे में हमारा कितना काम हुआ, 45 यूनिट। ध्यान से देखना कि जब 18 घंटे चले थे, तो मैं यहाँ पे ना नोट करते हुए जा रहा हूँ, ए चला होगा कितना, 9 घंटे, बी चला होगा कितना, 9 घंटे। ठीक है, फिर आते हैं 19th आवर में। ठीक है, 19th आवर में कौन आएगा, ए आएगा। ए कितना काम करके जाएगा, 2 काम, यानी कि 45 + 2 हमारा अभी तक में काम कितना हो गया, 47। काम हमारा टोटल 48 था, उसने 47 यूनिट टंकी भर दी, यानी ए 1 और घंटे चला, यानी कि 1 यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, अगली बार कौन आएगा, बी आएगा, और उसे करना कितना है, 1 यूनिट। पूरा वो 1 घंटे में वो 3 यूनिट करता है। ठीक है, यानी 3 यूनिट करने में उसे 1 घंटे लगते हैं, तो 1 यूनिट करने में उसे कितना समय लगेगा, 1/3 आवर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगला जो 20th आवर होगा, ये पूरा काम नहीं हुआ होगा, यहाँ पे कितना देर काम हुआ होगा, 1/3 आवर ही काम हुआ होगा। ठीक है, और 1/3 आवर में कितना काम होगा, 47 + 1, यानी कि यहाँ से हमारा 48 काम हो गया। बी ने अगली बार कितना देर तक काम किया, 1/3, यानी बी के लिए हमारा मिल गया 1/3 आवर। ठीक है, यानी बी जो टोटल चला वो 9 घंटे और 1/3 आवर, जिसको हम लोग टोटल बोल सकते हैं यहाँ से 28 में कितना, 3 आवर। ठीक है, यानी बी अकेले जो 1-1 घंटे करके चल रहा है, वो बी का जो टंकी भरने में योगदान है 28/3 आवर ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हमको कि 28/3 आवर में बी ने टंकी को भरा कितना, कितने देर में, इन 28/3 आवर। बी जो फिल करेगा वो क्या फिल करेगा, 28/3 आवर में, उसकी इफिशियंसी क्या है फिल करने की, 3 है। ठीक है, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उसने जो फिल किया है वो 28 यूनिट फिल किया है। ठीक है, 28 यूनिट में हमारा क्या बोला कि 24% जो है वो क्या है, विस्की है। तो विस्की हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, विस्की कैसे निकालेंगे हम लोग, 28 यूनिट उसमें भरा, वो 28 यूनिट जो है वो क्या है, पूरा पूरी 100% है, जिसमें 24% क्या है, प्योर विस्की है। ठीक है, तो 24% प्योर विस्की, तो इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, 24%। इसको सॉल्व मत करना, ठीक है, ये आगे जाके ना बहुत आसानी से कट जाएगा, ये नहीं किसे काट देना है, आगे ध्यान रखो। अब हमें निकालना क्या है, विस्की का परसेंटेज उस टंकी में कितना है, तो विस्की की क्वांटिटी निकल गई, टोटल क्वांटिटी हमें मालूम है, 48 है हमारा, तो परसेंटेज विस्की यहाँ से निकाल देना है। परसेंटेज विस्की कैसे निकलेगा हमारा, यहाँ से विस्की की क्वांटिटी लिख देनी है,
28 इंटू में क्या 24 बाय में क्या 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 48, और गुने में कितना 100, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा विस्की का परसेंटेज। विस्की का परसेंटेज यहाँ से निकाल दो, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 24 से ये कट जाएगा दो बार में, 2 से 28 को काट दो 14 बार में, और इसी के साथ हमारा विस्की का परसेंटेज जो निकल गया वो कितना निकल गया 14%, और हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। इस सवाल में लिटरली हमें सिर्फ यही विस्की का परसेंटेज निकालना है, और विस्की का परसेंटेज पूरी टंकी से निकालना है, बोला है ना साफ साफ व्हेन द सिस्टर्न इज फुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल क्वांटिटी को लेंगे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है,